स्वातत सवितुर वरे नंबरो देवा समय यो यो ना चोद ओमुरो स्वातत सवितुर वरे ये क्या हुआ? मुझे लगता है इसे लॉक करना होता है। हाँ, हो सकता है। तुम बंद करो, मैं इसे पकड़ती हूँ। थोड़ा और घुमाओ। ये बाहर क्यों आया? लगता है लॉक टूट गया, मैंने कुछ गलत कर दिया। अब ये क्या? इसमें भी कुछ राज है। पानी दोबारा ऊपर आए उससे पहले हमें अंदर जाना होगा। हमारे पास 5 मिनट है। चलो। पांच मिनट में कैसे होगा? इसे तुम्हारे बैग में रखो। चलो। इस बार तुम पहले जाओ, हम पीछे रहेंगे। ए, तू कहां जा रही है? पहले तू जा। मरने दो सालों को। इस तरह घूरना बंद कर, चल। हम बाहर कैसे जाएंगे? जिस रास्ते से मेरे दादाजी गए थे उसी रास्ते से। अली, माचिस दे। ए, तू उसे जला। इस वक्त हम कहाँ हैं? मुझे लगता है पाकिस्तान काबुल की बॉर्डर है ये। मतलब काबुल नदी पास ही है। करेक्ट। सही रास्ते जा रहे हैं ना? भगवान जाने तुम्हारे दादाजी किस रास्ते से गए थे। जल्दी चलो, चलो ऊपर, भागो भागो। वही ब्रिज है ये, जिसका जिक्र दादाजी ने डायरी में किया था। आगे बढ़, आगे चल, आगे चल करो। Ah!
कोई हिलो मत। भागो मत। क्या कर रहे हो? रुक जाओ। ब्रिज टूट जाएगा। सुनिधि, रस्सी को कसकर पकड़ लो। टूट जाएगा। सुल्तान, ब्रिज पे वजन ज्यादा है, किसी एक को फेंक दो। नहीं, 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 मेरी बात सुन सुल्तान, नहीं, नहीं, इसको छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, कुछ किया तो मैं तेरी जान ले लूँगा, नहीं, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, जान दे, तुझे फेंक दिया तो तेरा आशिक खजाने तक हाथ से ले जाएगा, जा छोड़ दिया। इसे तो मेरे हाथों मरना था, इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। तैर कर जन्नत पहुंच जाएगी। मर जाने दे। जिससे प्यार करते हैं उसके लिए जान दिया करते हैं हरामजादे। हाथ मत छोड़ना सुनिधि। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे दादाजी यहां आए थे, पिछड़ो। कुएं के बीचों बीच बक्से तक पहुंचने के लिए फूल को उल्टी दिशा में लगाना होगा। किताब के हिसाब से
नीचे वाले चक्र को 3 बार दाईं ओर घुमाना होगा, ऊपर वाले चक्र को 3 बार बाईं ओर घुमाना होगा, और फिर 1 बार दाईं ओर, और फिर बीच में दबाने पर मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बन जाएगा। मेरे दादाजी यहां से गिरकर बच गए थे। मुझे लगता है नीचे से ही बाहर का रास्ता है। उन्होंने लिखा था कि किसी चीज को पकड़ा था उन्होंने। छूना मत! एक भी गलत कदम उठाए तो सब मारे जाएंगे। कोई नहीं जानता किसी चीज को छूने से क्या अंजाम होगा। मुझे वो पंछी दो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं थोड़ी रोज रोज आता हूँ, जो मुझे पता होगा। पता नहीं तो नक्शा को फेंक दिया। ए! जिस लड़की को नक्शा पता था उसे तूने पानी में फेंक दिया। चक्र दो। आवाज होते ही दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा खोलो, खोलो से, खोलो। चिल्लाओ मत, देखो ताले मारे जाएंगे। तुम सब के सब मरोगे। खामोश। ये क्या? ये तो जान लेने लगी। सुल्तान बचाओ। सुनिधि अंदर हो जाओ।
सब पीछे हट जाओ। तुम पर यकीन करके गलती की। हम इससे कैसे बचेंगे गौतम? कोई ना कोई रास्ता होगा। राजा ने इस चीज को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा। बाहर निकल, निकल बाहर। इसे रोकने का रास्ता मिल गया। बॉल के अंदर के उस त्रिशूल को निकालना होगा, जिससे बॉल नीचे रखी थाली पर गिरेगा और ये बंद हो सकता है। त्रिशूल को कैसे निकालें? लगता है खजाना उस दरवाजे के पीछे है। जाओ दरवाजा खोलो जल्दी। अगर हम आगे बढ़े तो जान से जाएंगे, गलत जगह पर पैर रखते तीर चलेंगे, बचने का कोई मौका नहीं। ये त्रिशूल इसकी चाबी हो सकती है। तू पहले जा।
तेरा काम यहाँ पूरा हुआ, अब वे बाहर कैसे जाएगा? इस पूरे खजाने को पंछी बनकर पुर से उड़ा ले जाऊंगा, पर तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाथ पकड़ दो उसे। देखते क्या हो, टुकड़े टुकड़े कर डालो। खजाना तो मैंने देख लिया कमीने, मगर एक पल के लिए तेरी आंखों में खौफ देखना चाहता था, वो नहीं दिखा। अब तू अपनी माशूका को मरते देख। एक हिंदुस्तानी तो जैसे सैकड़ों आतंकवादियों के लिए काफी है। तेज बहाव से हम दूसरी तरफ आ गए। नक्शे में हमने जो पढ़ा था उसकी मदद से हम यहाँ तक पहुँच गए। खुदा नेक बंदों की हमेशा हिफाजत करता है। इतिहास के पन्नों को हमने हकीकत में तब्दील कर दिया। आओ। Ha ha ha!
कुछ नहीं चाहिए? अगर मेरे ना हो तो मुझे करोड़ रुपए नहीं चाहिए, पर अगर मेरे हो तो मैं एक रुपया नहीं छोड़ता। तुम्हारे अब्बा चाहते थे ये सारा खजाना गवर्नमेंट के हवाले हो, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? दादाजी ने इंडिया जाने के खुफिया रास्ते के बारे में भी लिखा होगा ना? जिस तरफ से मैं आई थी वहाँ से तुम इंडिया बॉर्डर पहुँच जाओगे। दादाजी अपनी बहू के लिए बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं, दादा की बहू बनोगी? हाँ क्यों नहीं।